बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक महिला सहित दो लोगों को पकड़ने में सफलता पाई है। अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले अंतरराज्यीय तस्करों को धर दबोचने बस्तर पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत नगरनार पुलिस घेराबंदी कर उड़ीसा की ओर से जगदलपुर आ रहे दो संदिग्धों को घेराबंदी कर तलाशी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने तस्करों से लगभग 2.5 लाख का गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बस्तर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकावड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामनी एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही साथ जो स्कूटी अवैध गांजा को परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। अवैध गांजा 20 केजी एवं स्कूटी की कुल कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर न्यायिक रिमांड में जेल निरुद्ध किया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।